गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। हमने प्रीवियस टॉपिक में इसका फर्स्ट मेथड पढ़ लिया था, आज हमने सेकंड मेथड पढ़ना है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एल्डिहाइड इन कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कैटलिटिक डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को हम कैटलिटिक डीकम्पोजिशन मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एसिड्स लेते हैं, ठीक है, मेथनोइक एसिड्स हो या अदर एसिड्स हो, उसको हम हीट करते हैं 573 केल्विन पर, और किसके प्रेजेंस में, MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है वो क्या एक्ट करता है, कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे आप देख लो यहाँ पे मेथनोइक एसिड्स लिया, ठीक है, इसमें चाहे तो दो, इसमें आपने दो एसिड्स लेने, चाहे तो वो सेम ले सकते हो, चाहे आप एक एथेनोइक ले लो, एक मेथनोइक ले लो। ठीक है, आपने इसमें कैटलिस्ट डाला, इसको हीट किया, आपके पास क्या बनेगा, मेथनल CO2 और एक CO2 और H2O बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ओके बेटा, तो आपने इतने सारे लिखने की नीड नहीं है, आप कोई एक आपने जस्ट क्या करना है, आपको हेडिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आपने इसमें से कोई एक एग्जांपल उठाना है और याद कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा जरूरत नहीं आपको, ज़्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, राइट अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड पूछ ले या एल्डिहाइड और कीटोन पूछ ले, दो ये तीन नंबर में। वैसे तो ये बहुत रेयर है पूछना, मैंने तो ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं है, बट पता होना चाहिए समटाइम कन्वर्जन। ये मैं इसलिए आपको पढ़ने बोल रहा हूँ क्योंकि समटाइम ऐसा होता है बेटा, कन्वर्जन पूछ लेते हैं। कन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि आपको ये डाल देंगे, एरो डाल के ये प्रोडक्ट वाला जो पोर्शन है ये ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आपको पता होना चाहिए जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ तो मेथनॉल बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जस्ट रिएक्शंस को एक बार देख जरूर लिया करो। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड है, मतलब इसी का सब पार्ट है कि इसे हम डिस्टिल मेथड से भी हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, डिस्टिल मेथड में क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट लोगे आप, इसे डिस्टिल करोगे, जब डिस्टिल करोगे तो फिर देखो क्या बनेगा, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, एक और प्रोडक्ट बनेगा साथ में, सेम आप अलग अलग ले सकते हो, कैल्शियम फॉर्मेट लोगे। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट आपने पहले सिंगल लिया, फिर डबल लिया, ये बना। ठीक है, फिर कैल्शियम फॉर्मेट आप, ठीक है, ये देखो कैल्शियम, अब यहाँ कैल्शियम एसिटेट ले रहे हो, ये बना। ठीक है बेटा, और यहाँ कैल्शियम प्रोपोनेट ले रहे हो, ये बना। ये मेथड जो होता है हम नहीं यूज करते हैं, आपको ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक या दो याद कर लेना इसमें से। ये मेथड हम ज्यादातर यूजफुल नहीं होता, ये सुटेबल नहीं होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। क्यों नहीं होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, इसकी जो ईल्ड होती है वो काफी ज्यादा लो होता है। ईल्ड लो होने का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो काफी कम क्वांटिटी में बनता है, और एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इसे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स नहीं बना सकते, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स इससे नहीं बन सकते, प्रिपेयर ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्यों बेटा, क्योंकि यह हमें तीन टाइप के प्रोडक्ट देता है, ठीक है, जिससे उनको सेपरेट आउट करना काफी ज्यादा टफ है, तभी हम बोलते हैं इसमें अनसिमेट्रिकल कीटोन नहीं बना सकते। वहीं नेक्स्ट में बात करूं, हाइड्रोकार्बन से भी बन सकता है बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन में हमने, मतलब आपने एसिटिलाइन लोगे, वाटर लोगे, ठीक है, इसमें क्या डालोगे, डिल्यूट H2SO4 HgSO4 डालोगे। ठीक है बेटा, जब भी आप ऐसे डालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, विनाइल अल्कोहल बनाएगा, विनाइल अल्कोहल। और याद रखना ये, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। वैसे तो ये इंटरमीडिएट स्टेप है, मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के बाद और प्रोडक्ट से पहले का स्टेप को बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेप, और इंटरमीडिएट स्टेप है। और एक याद रखना, टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म होता है जब भी आपको ऐसी कंडीशन दिख जाए, ऐसी कंडीशन OH और डबल, ये देखना, अगर आपको कभी भी ऐसी कंडीशन दिख जाए, C डबल बॉन्ड C और एक OH दिख जाए आपको साथ में, ठीक है, तो याद रखना इसको हम टोटोमराइज करते हैं। टोटोमराइज करने का मतलब क्या होता है कि यहां से डबल बॉन्ड गायब होगा और यहां से क्या गायब होगा, H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से डबल बॉन्ड गायब होगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं टोटोमेरिज्म। इसका फर्दर रिएक्शंस होते हैं, थोड़ा सा लेंथी तो नहीं कह सकता, तीन चार स्टेप में होता है, यहां जा सीधा दिखाएगा। कभी भी याद रखना ऐसा कंडीशन आ जाए, C डबल बॉन्ड C और OH एक साथ, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड आ जाए, एक तरफ OH आ जाए, तो उसको उसमें क्या होगा बेटा, टोटोमेरिज्म होगा ही होगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म होके जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाएगा, और जो H लगा है वो गायब होके वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, okay?
हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अदर देन एसिटिलाइन गिव कीटोन, ठीक है। अल्कीन हमें देखो एल्डिहाइड दे रहा है, और बाकी अल्कीन छोड़कर अगर आप कोई चीज़ ले लोगे, सेम सेम आपने मतलब कि एरो पे सेम चीज़ डालना है, वाटर पे सेम लेना है, और वो आपको क्या देगा, इंटरमीडिएट स्टेप हमेशा देख याद रखना, अनस्टेबल होता है इनमें, अनस्टेबल होता है, ठीक है, टोटोमरिज्म होता है। और आपके पास यहाँ पे देखो ये कीटोन दे रहा है ना, ये देख लो कीटोन है ना, कीटोन है ना, मतलब कि एसिटिलीन छोड़ के बाकी सभी आपको क्या देंगे, कीटोन। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, बाय द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन द अल्कीन कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये मैं इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ, क्योंकि देखो बाय नेम भी पूछा जा सकता है ये आपको एग्जाम में, पेपर में। और आपको देखो इसका दो फायदा है, इसको लर्न करने का दो फायदा है कि बाय नेम भी पेपर में एग्जाम में आ सकता है आपको। तो एग्जाम में अगर बाय नेम पूछ ले आपको, जो भी चैप्टर का हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन याद है आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक ही याद करके रखना है। आपको ये वाला हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन याद है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपका एग्जाम चेक किया तो कई बच्चों ने नेमिंग रिएक्शन अलग अलग तरीके से किया है, ठीक है। तो अब जो तरीके से किया है तो वो ठीक है, ठीक है, कईयों के ठीक है, एक दो के गलत है, बाकी सबके ठीक है। बट मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि जो आपको टीचर करा रहा है उसे लर्न करो, वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। वो क्योंकि जो टीचर आपको कराता है वो बेस्ट कराता है, ठीक है। तो आपको जो वो करा रहा है वो ज़्यादा वो करो, वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप जहाँ अलग अलग जगहों से ढूंढ के करते हो। क्योंकि ऑलवेज पॉसिबल होता है कि बेटा जो नेट पे आप देख रहे हो जरूरी नहीं कि वो ऑलवेज ट्रू हो, याद रखना। जो भी आप नेट पे देख रहे हो कि वो जरूरी नहीं होता कि वो ऑलवेज 100% ट्रू हो, ठीक है। नेट पे आप भी जाके कुछ लिख सकते हो, ठीक है, तो अदर बच्चे उसे पढ़ेंगे। तो हमेशा नेट पे बिलीव मत करो, बिलीव करना है तो अपने बुक्स पे करो, ओके। इसका अगर रिएक्शंस मैं दिखाऊं आपको, ठीक है, बट टू आइन मतलब चार कार्बन वाला, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड बी टू आइन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें बी टू एस सिक्स हाइड्रोबोरेन टी एच एफ है, टेट्राहाइड्रोफोरेन बोलते हैं इसको, टी एच एफ को। जब आप इसका रिएक्ट करोगे तो आपके पास एक विनाइल बोरेन बनेगा, फर्दर इसमें परोक्साइड डालोगे, ओ एच नेगेटिव डालोगे तो आपके पास इनोल बनेगा, ठीक है। इसे इनोल फॉर्म करते हैं, और याद अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड और ओ एच, टोटेमरिज्म हो गया ना, यहाँ पे हो गया ना टोटेमरिज्म। ये टोटोमरिज्म हो जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ OH हट जाएगा आपके पास, ये प्रोडक्ट बन गया ना कीटोन, ओके। तो यहाँ से भी आप बना सकते हो। नेक्स्ट है ओजोनोलेसिस, ये ओजोनोलेसिस आप ऐसे भी कर लो, क्योंकि समटाइम थ्री नंबर में या टू नंबर में पूछ लेते हैं ये जरूरी नहीं है कि प्रिपरेशन मेथड के लिए पूछ ले, ऐसे पूछ सकते हैं। ओजोनोलेसिस ऑफ एल्कीन पूछ ले, अल्काइन पूछ ले, ठीक है, या ओजोनोलेसिस पूछ ले सिंपल, कि ओजोनोलेसिस होता क्या है। ठीक है, अब यहां देखो ओजोनोलेसिस में सबसे पहले क्या होता है, हम अल्कीन लेते हैं बेटा, अल्कीन को O3 से रिएक्ट कराओगे तो आपके साथ ये बनेगा, ठीक है। आपको जब भी रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, दोनों कार्बन यहीं रह जाएंगे और दो कार्बन ज्वाइंट एक बार ऑक्सीजन से होंगे, नीचे ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, आपको ये चाहे याद करो, ठीक है बेटा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा ये वाला स्टेप। बिकॉज अगर आप बोलोगे ये सर इससे ये कैसे बना, तो इसके पीछे मतलब एक मैकेनिज्म टाइप होता है, मैकेनिज्म से मैं आपको शो कर सकता हूँ ये कैसे जुड़ा। आप जस्ट याद कर लो कि एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के साथ एक साथ जुड़ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ताकि मतलब ये देखो ये जुड़े इस तरह से हैं ताकि कार्बन की बैलेंसी भी पूरी हो सके और ऑक्सीजन की बैलेंसी भी पूरी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, अब इसका ना एक चाहे ये अब अल्कीन के लिए कर लो, अल्काइन के लिए कर लो, ठीक है। इसका एक सिंपल सा स्टेप है, फर्स्टली O2 डालोगे तो ऐसे बनेगा, फिर आपने क्या करना है, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के यहां से और इस ऑक्सीजन से यहां से, यहां से ब्रेक करोगे एक, यहां से ब्रेक करोगे एक, यहां से, ये डॉटेड जो डॉट दिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इधर से, कार्बन ऑक्सीजन 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 बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है, याद रखना। इसे बोलते हैं ओजोनाइट, ठीक है, इस ये पूरे प्रोडक्ट को, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट स्टेप है। फर्दर क्या करते हैं, ये ब्रेक होता है, इसमें हम जिंक डालते हैं और H2O डालते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, ठीक है, साथ में परोक्साइड बनता है, ठीक है।
क्लियर है ये स्टेप आपको? ठीक है, ये फर्दर फर्दर रिएक्ट करके आप ये दिखा सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया। इसके बाद है वॉकर प्रोसेस। वॉकर प्रोसेस आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। एल्कीन कैन बी कन्वर्टेड एल्डिहाइड कीटोन बाय द ट्रीटिंग ऑफ एसिडिफाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड। इसमें क्या आता है, एसिडिफाई का सोल्यूशन पैलेडियम क्लोराइड यूज करते हैं और क्यूप्रिक क्लोराइड यूज करते हैं। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, और इस मेथड को बोलते हैं वॉकर प्रोसेस। इथेनाइल, इस क्वेश्चन को मैंने कम ही देखा है वैसे पेपर में, तो पर आप देख लेना इन द नॉलेज के लिए। नॉलेज के साइंस में मैं इसलिए हमेशा आपको बोलता हूँ कि रिएक्शंस देख के रखो, ताकि क्योंकि जब वो कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस के नाम से आ गया ना, तो आपको ये दे देंगे यहाँ डाल के, एरो पे डाल के ये प्रोडक्ट पोर्शन छोड़ देंगे ब्लैंक, तो अब आपको प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये आंसर्स हमने कैसे लिखना है। ठीक है, जब भी आप इसे रिएक्ट कराओगे इसके साथ, तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, पीडी बेटा है, क्योंकि कैटलिस्ट है, याद रखना कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है और बाद में वो पूरा पूरा बाहर निकल आता है। ठीक है, बाहर निकल आता है। नेक्स्ट, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट, जब हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड किसे बोलते हैं, आर सी ओ सी एल, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। जब भी रिएक्ट करोगे एसिड क्लोराइड के रिएक्ट से, ठीक है, उसमें क्या डालोगे, प्लेडिनियम एज ए कैटलिस्ट बी एस ओ फोर डालोगे, तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, एस सी एल बनेगा। ठीक है, एक रिएक्शन ये है, चाहे ये भी लिख सकते हो। ओके, इसमें देखो क्या है, एसिड क्लोराइड कन्वर्टिंग टू एल्डिहाइड बाय द कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडिनियम कैटलिस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेडिनियम, प्लेडिनियम हेल्प करता है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, द कैटलिटिक मिक्सचर इज पॉइजनस बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन। ठीक है, याद रखना अगर हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर क्यूनोलिन ऐड कर दें, तो ये जो मिक्सचर है ये पॉइजनस हो जाएगा दैट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका क्लियर है। इसके बेटा और भी कई सारे मेथड है, ये आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इतने सारे मेथड करने का कोई नीड नहीं है आपको, ये आप देख लेना। ठीक है, अगर आपने करना होगा तो आप कर सकते हो फॉर योर नॉलेज। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कह सकता हूँ, नेम रिएक्शन आता है, एक नंबर में आ जाता है पेपर में, एक नंबर में। देखो इस चैप्टर में से, जैसे कि आपको आपने पेपर दे ही लिया होगा थोड़े दिन पहले, तो आपने एक चीज तो देख ही लिया होगा कि बाय नेम रिएक्शन आपको पेपर में आता है। ठीक है, आपने एक चीज तो देख ही लिया होगा नेम रिएक्शन आपके पेपर में आता है ना, वो भी पांच पांच तो आते हैं, पांच आ जाए, याद रखना। नेम रिएक्शन कभी कभी अगर जो एग्जाम डालने वाला था वो पांच भी डाल देता है, पांच नंबर में, कभी तीन नंबर में डाल दिया, पांच नंबर, तीन नंबर, दो नंबर, एक नंबर, ये सभी तरफ सेट होता है। तो ये कभी सात नंबर का भी आया था नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन आपके कंबाइन सभी चैप्टर में से आता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं, जैसे रिमेटिमर रिएक्शन इसमें है। ठीक है, रिमेटिमर रिएक्शन आपके पेपर में भी आया था, आप देख लो, ये तो आपको आता ही होगा, कराने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको आ सकता है। ठीक है, अब देखो ऊपर हमने पढ़ तो लिया, जैसे मैंने लास्ट वाला रिएक्शन कराया था उसमें क्या था, सिर्फ प्लेटिनियम कैटलिस्ट डाल के हम सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे थे। ठीक है, उसमें देखो कीटोन नहीं बन रहा था, तो अब देखो जब साइंटिस्ट ने ये किया तो प्रॉब्लम कहीं कहीं ये आ रही थी कि कीटोन एल्डिहाइड दोनों मिक्स बन रहे थे, पर मुझे कीटोन ही चाहिए, तो कीटोन ही चाहिए, तो उसके भी कुछ मेथड्स है। अगर एसाइल क्लोराइड ले लेंगे, ठीक है, एसिड क्लोराइड लोगे आप और इसमें CDCl2 डालोगे, कैडमियम डालोगे एज ए कैटलिस्ट, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, फर्दर कैडमियम डालोगे आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और वही आप मतलब कि एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, एसिटाइल क्लोराइड में आप देखो मिथाइल कैडमियम, डाईमिथाइल कैडमियम डालोगे, ड्राईथर डालोगे, तो आपके पास कीटोन ही बनेगा। ठीक है, एल्डिहाइड बनने के इसमें चांस नहीं होता। ठीक है, ये तो आ गया प्योर मेथड। ओके, नेक्स्ट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, इसका पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, ये पंजेंट स्मेल होता है, बॉइलिंग पॉइंट 294 होता है इसका। ठीक है, अगर मैं अदर एल्डिहाइड कीटोन कंटेनिंग अप टू 11 और अब कुछ मतलब हाई कार्बन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनमें 11 कार्बन तक हो सकते हैं, वो कलरलेस लिक्विड होता है, और हायर मेंबर जो होते हैं इसके सॉलिड होते हैं।
ठीक है, अगर स्मेल की बात करूँ तो पंजेंट्स और स्मेल होता है इसका, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन हैव जनरली पंजेंट स्मेल, एज द साइज ऑफ, जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट। याद रखना, जैसे जैसे कार्बन चैन बढ़ता रहता है पंजेंट स्मेल कम होता जाता है, ठीक है। सोलिबिलिटी की बात करूँ तो 4 कार्बन तक वाटर में सोलिबल होता है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाउएवर द सोलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन डिक्रीज रैपिडली इंक्रीज द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। मतलब कि अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई वाई सोलिबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन डिक्रीज वाइल द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब तक 4 कार्बन की बात कर लूँ तो 4 तक कार्बन है, ठीक है, तब तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, पर जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है बेटा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि जो पावर होती है वो डिक्रीज, पावर डिक्रीज होता जाता है, या तो वो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे जाके एब्सेंस होना शुरू हो जाता है। और आप अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एब्सेंस होना शुरू हो जाएगा तो सीधी सी बात है वो किसी वाटर में सोल्युबल नहीं होगा। वाटर में वही चीज़ सोल्युबल हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ठीक है, या तो वो पोलर हो, ठीक है। एज ए रिजल्ट द हायर मेंबर ऑफ कार्बन पार्टिकली इनसोल्युबल इन वाटर, ऑल द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सोल्युबल इन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। याद रखना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सोल्युबल होता है, जैसे जो वाटर में सॉल्युबल है वो बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल में सॉल्युबल होता है, याद रखना। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो हाई एल्डिहाइड कीटोन आर हायर देन दोस ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड से, ये इनकी बॉइलिंग मतलब इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है नॉन पोलर कंपाउंड के मुकाबले, ठीक है, और वीकली पोलर कंपाउंड के मुकाबले भी, जैसे कि ईथर और ये हाइड्रोकार्बन से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो होगी इनकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट टॉपिक्स में हमने शुरू करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड ऑन कीटोन। थैंक यू फॉर टुडे।